कि यहाँ पे मेरे दाएं तरफ मेरे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जनाब शफकत अवान साहब एडवोकेट साहब, हमारे बाकी साथी इधर खड़े हैं, इफ्तिकार साहब खड़े हैं। यहाँ पे मैं वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि आज पार्लियामेंट में पहली बार बजट के दौरान इतनी अहम और ग्लेयरिंग आईनी खिलाफ वर्जी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इसी ऐवान में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजट पेश किए हैं। मैं खुद एनर्जी और इकोनॉमिक अफेयर्स इक्तसादी अमूर का मैं वजीर रह चुका हूं। ये बजट प्रोसेसेस हम लोग समझते हैं। मैं वाज़े तौर पे बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 73 के तहत आप आइन पढ़े, जिस वक्त वजीर खजाना की स्पीच शुरू होती है, एनुअल बजट स्टेटमेंट, वो दस्तावेजात करंट एक्सपेंडिचर के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो आपकी पिंक बुक्स, आपकी इकोनॉमिक सर्वे, आपके टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ वहां पे ले होना पड़ता है। ख्वातीन और हज़रात, यहां पे हमारे मीडिया के आप रिपोर्टर जो इसके साथ डील करते हैं, आप खुद इस चीज के आईनी शायद है। ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि हम लोग हर फील्ड में हर दिन ये फॉर्म 47 की हुकूमत ये कोशा है कि ये जितना बड़ी बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बनाना चाहती है, वो हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। आज का बजट मानी खेज हो ही नहीं सकता, ये कोई मानी नहीं रखता। एक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच, यहां पे उसकी उर्दू वर्जन लिखी गई है, दी गई है, अंग्रेजी वर्जन भी नहीं दी गई, न सीडी कोई दी गई है। वो बजट डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या मालूम कि कल उसमें वो हेर फेर करके वो कह दे जी ये हमने बजट पेश किया था। सेनेट को जो वजीर खजाना ने वहां पे पढ़ के सुनाना होता है कि मैं सेनेट को दे रहा हूं, तो वो कौन से दस्तावेजात सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू को आज भेजे गए, जब वो हाउस में ही नहीं ले हुए, जब हाउस की प्रॉपर्टी स्पीकर साहब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। तो ये तो एक मनीखेज चीज है। दूसरी अहम बात, आपका बजट जो रेवेन्यू आप लेते हैं और जो आप उस पर एक्सपेंडिचर अखराजात करते हैं, उसको मिला करें तो आपके पास खसारे का टारगेट नजर आता है। मैं इसका मुताला कर रहा था, मुझे कम से कम यहां पे और से भी मैं मुताला करूंगा, पर मुझे कम से कम हमेशा आपका जो टारगेट खसारे का होता है वो पहले सफों में आता है। ये बजट इस वॉल्यूम का है, ये इसमें ये खसारा हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो इन्होंने दिया नहीं है। बातिन हज़रात, जिसको कहते हैं ना गुरु धंधा, ये वही फॉर्म 47 फॉर्म 47 वाली जाली सरकार ने मुल्क को एक चकमा दिया है और एक जाली बजट आपके सामने आज पेश हुआ है। इसको हम लोग मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। ये कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ मजाक है। ये जितने लोग फाइनेंस समझते हैं, आप साथी प्रेस के, आप समझ रहे हैं, एक जाली बजट है। इसके साथ हम लोग आगे आते हैं। यहां पे इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक सर्वे में कि 2.3% ग्रोथ रेट आई है जीडीपी में, पिछले साल भी इसी हुकूमत ने इन्होंने बड़ा अपना कहा था कि जी हमारी पॉजिटिव हल्की सी 0.4-0.3% पॉजिटिव आई है। चंद महीनों बाद वो पता लगा कि वो मनफी ग्रोथ रेट थी। ये भी ख्वातीन और हज़रात, ये बजट जो ये पेश कर रहे हैं, ये द
दर हकीकत सही ग्रोथ रेट नहीं है,